हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी। ये एक शॉर्ट फॉर्म और सिंप्लीफाइड न्यूज़ होगी। आई विल ट्राई कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए और नॉर्मल लोग उस चीज़ को समझ सके। ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही है कि मैंने काफ़ी यूट्यूब पर देखा, पर मुझे कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं मिला जहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ शॉर्ट फॉर्म में हो और टू द पॉइंट हो। या तो आप जो प्रॉपर हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं वहाँ पे न्यूज़ देख लाइक CNBC आवाज़, पर उसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनानी चाहिए जिसमें कि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ शेयर कर सकूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। सबसे पहले बात करते हैं बैंक स्टॉक्स की। तो कल जब यूनियन बजट अनाउंस हुआ तो उसके बाद बैंक स्टॉक्स में लगभग 8% का उछाल देखा गया। एंड द मेन रीज़न वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि वो एक बैड बैंक का निर्माण करेंगे जिसमें कि बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे। कभी कभी क्या होता है, बैंक ऐसे लोगों को लोन दे देती है जो कि वो वापस नहीं करते हैं, तो ऐसे एसेट्स को हम जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। हो सकता है किसी कंपनी को बैंक ने लोन दिया हो और अब वो डूब गई हो, तो ऐसे एसेट्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वो कम करने में बैंक्स की हेल्प करेगी ताकि वो लोग अपनी फंक्शनैलिटी प्रॉपर रख सकें। इसी वजह से लगभग 8% का उछाल था मार्केट में। उसके बाद बात करते हैं ITC की। तो ITC एक ऐसी कंपनी है जिसका स्टॉक बजट के बाद मोस्टली गिरता है। एंड द मेन रीज़न वॉज क्योंकि वो स्मोकिंग सिगरेट से रिलेटेड कंपनी है और वहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स लग जाता है और टैक्स बढ़ता है, तो इस वजह से स्टॉक जो है गिरता है। पर ये पहली बार था क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स अनाउंस नहीं किया है, जो टैक्स पहले से हैं वही टैक्स रहेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स अनाउंस नहीं किया है, जिसकी वजह से इसका शेयर जो है 6.4% ऊपर गया। नाउ द वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ वॉज कि इंश्योरेंस कंपनी में अभी तक बाहर की कंपनियाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 49% तक का ही स्टेक ले सकते थे, पर अब क्या होगा, उन्होंने वो लिमिट 74% तक कर दिया। यानी कि कोई बाहर की कंपनी भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को चला सकती है और उसके डिसीजंस ले सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और इसकी वजह से काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स ऊपर गए। और गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि LIC का IPO जो है वो इसी साल आएगा। IPO जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जो कि जब एक कंपनी पब्लिक जाती है या जब आम लोगों से पैसे लेती है ताकि वो अपने नए वेंचर्स में लगा सके, जो भी चीज़ें वो नई ट्राई करने वाली है उनमें, तो उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, वो उसे IPO के थ्रू मिलता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि LIC का IPO 2021 के लास्ट तक आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि LIC गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसका IPO देखते हैं कैसा जाता है। अब IPO की बात हो रही है तो हम इंडिगो पेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंडिगो पेंट्स का IPO जो आज डेब्यू हुआ वो 117 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और उसका जो प्री इशू प्राइस था वो 1500 था, पर अभी अगर मैंने जो 15-20 मिनट पहले देखा था तो ये 2600 पे ट्रेड कर रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा उछाल आया और एक्सपेक्टेड भी था कि इतना ऊपर जाएगा ही तभी, क्योंकि 117 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये IPO और लोग कह रहे हैं कि ये और ऊपर भी जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक ने 5 NPA अनाउंस किए हैं। NPA मैंने अभी बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो उसको लगभग 150 करोड़ का नुकसान हुआ है जो कि इंडियन बैंक ने कल अनाउंस किए थे। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपडेट्स जो है वो डेली देता रहूँ, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, आई होप कि अच्छा जाएगा। और मैं ट्राई करूँगा जो यूट्यूब का नया फॉर्मेट है शॉर्ट्स का, जिसमें आप 1 मिनट की वीडियो बना सकते हो और उसमें मैं अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा डेली। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।